हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जोग्राफी की एक नई सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं और क्लाउड्स क्या हैं तो आइए शुरू करते हैं टाइप ऑफ क्लाउड्स तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड्स क्या होता है क्लाउड्स फॉर्मेशन तो बाद में देखेंगे पहले ये समझते हैं क्लाउड्स क्या होता है क्लाउड्स आर डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आइस पार्टिकल्स और मिक्सचर ऑफ बोथ इन द एयर जनरली एबव द ग्राउंड सरफेस आप क्लाउड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं समझिए कि जो क्लाउड्स होते हैं बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं टिनी वाटर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और आइस पार्टिकल होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड मतलब हवा में तैरते रहते हैं परमानेंटली और कुछ नहीं होता क्लाउड्स में भी सिर्फ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और आइस पार्टिकल होता है इनका मिक्सचर होता है सिर्फ इन द एयर जनरली एब द ग्राउंड सर्फेस ग्राउंड सर्फेस के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है क्लाउड्स आर फॉर्मड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर पेपर अराउंड हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाय न्यूक्लिया कॉज बाई कूलिंग ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ एयर जनरली नोन एज एडियोबैटिक कूलिंग तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है इसको समझना बहुत जरूरी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज में जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ये क्या होता है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्या मैं आपको बताता हूँ यही हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये एक तरीके से क्लाउड समझिए और कुछ नहीं होता अब हम लोग समझते पहले हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिया क्या होता है तो देखते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मैंने हिंदी में लिख दिया है हाइड्रोस्क्योपिक न्यूक्लियाई इसको हिंदी में बोलते हैं आद्रता ग्राही नाभिक तो हाइड्रोस्क्यूपिक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अंतर्गत जितने भी ठोस कण होते हैं नी जितने भी ठोस कण होते हैं जैसे कि धूल के कण नमक के कण धुआँ इन सब से जितने भी ये जो तीन ही पार्टिकल्स निकलते हैं वही आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करते हैं वाटर को और इसके अलावा भी कौन कौन से होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रेट ऑक्साइड अमोनियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड ये होते हैं आइए देखते हैं क्या होता है इन संघनन के नाभिकों को आर्द्रता ग्राही नाभिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जल के प्रति बहुत लगाव होता है मैंने अभी बताया ना आपको ये जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये वाटर के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा तो नमक के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वाटर के प्रति आइए देखते हैं आगे मिलेगा ज़रूर पॉइंट समझते हैं अगला नमक के कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघनन नाभिक होते हैं क्योंकि बिकॉज़ नमक के कणों को विद्युत ऊर्जित आयन जल के अधिक से अधिक कणों को आकर्षित करते हैं तो आप ये समझिए जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती है उसके अंतर्गत किस किस को रखा जाता है किस किस को रखते हैं धूली कण को रखते हैं और नमक के कणों को रखते हैं और धुआं और काले को रखते हैं धूलकण जैसे कि कारखानों की, कार की चिमियों से जो गैस फ्लाई uh, ऐश निकलता है या ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकलने वाला जो धूलिकण है वो सब जो हवा में उड़ता रहता है वो सब धूलकण मान सकते हैं नमक के कणों की जैसे नम अगर आप ये सोचें नमक के कण कहाँ से आते हैं नमक के कण का सीधे सीधे स्रोत जो है वो सी है हमारा सागर के फुहारों से होती है इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड और जो मैगनी मैग्नीशियम क्लोराइड्स होते हैं ना ये कण भी बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ठीक है फ्रेंड्स और धुआं और काले तो जानते ही हैं जितने भी घरों से जो धुआं निकलता है चिमनियों से या जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं वो सब इसके अंतर्गत आता है सीधे सीधे कहने का एक ही मतलब है जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होती हैं वो बहुत ज़्यादा टिनी पार्टिकल्स होते हैं यही इन सब के धूल कर नमक और धुआं के और वो सिंपल सी बात है वो वाटर जो वाटर होता है हमारा उसके प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है वाटर के प्रति इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है और इन अगर हम देखें कि इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है तो वो नमक के कण हैं कौन सा है नमक के कण हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाटर को आकर्षित करते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं क्या है संघनन की प्रक्रिया के दौरान नमक के कण चारों ओर जमा हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड एक्चुअली वो होता है कह रहे हैं जो जितने भी कण हैं इनके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स इनके आसपास पानी चिपक जाता है मतलब कहने का यही है कि इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पानी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और कुछ भी नहीं है ठीक है फ्रेंड्स तो देखते हैं फ्रेंड्स क्लाउड कितने टाइप के होते हैं तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले तो देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लुइक होवार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो ये लिय होवार्ड हैं लुइक होवार्ड ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट हैं और वॉज द तो फर्स्ट हु क्लासीफाइड द क्लाउड इन एटीन हंड्रेड थ्री इन्होंने ही सबसे पहले क्लाउड का क्लासीफिकेशन करा था लुइक हावर्ड लुइक हावर्ड एंड इंग्लिश बायोलॉजिस्ट वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाइड द क्लाउड इन एटीन हंड्रेड थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिट पब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाउड एटलिस इन एटीन नाइन्टी सिक्स सबसे पहली जो एटलिस थी क्लाउड्स की वो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कमिट द्वारा पब्लिश की गई थी वो कब की गई थी 1896 में पब्लिश की थी सबसे पहली इंटरनेशनल क्लाउड एज तो अब ये तो हो गया कि किसने क्लाउड्स को क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम करा और कि कौन सी एटलेस क्लाउड की कब पब्लिश हुई अब देखते हैं क्लाउड्स के बेसिक फॉर्म्स कौन से होते हैं वट इज़ द बेसिक फॉर्म्स ऑफ द क्लाउड्स क्लाउड्स मेनली कितने प्रकार के होते हैं तो बेसिकली uh, ये तीन प्रकार के होते हैं स्ट्रेटी फॉर्म क्यूमली फॉर्म और सीरस फॉर्म ये तीन प्रकार के होते हैं स्ट्रेटी फॉर्म क्यूमली फॉर्म और सीरस फॉर्म ठीक है फ्रेंड्स इनको आप हिंदी में हिंदी मीनिंग देख लीजिए वैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है इंग्लिश हिंदी से क्योंकि हिंदी में इनके नाम बहुत ही ज़्यादा टफ हैं इनको हिंदी में कपासी बादल पाशप बादल और स्ट्रेटस इससे अच्छा आप इंग्लिश में पढ़िए दे रहे थ्री बेसिक फॉर्म्स स्ट्रेटी फॉर्म्स क्यूमिलस फॉर्म्स और सीरस सीरस फॉर्म क्योंकि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ईजी रहेगा हिंदी बहुत टफ नाम होता है उसको समझना मुश्किल पड़ जाता है ठीक है आगे देखते हैं क्लाउड्स आर यूजली क्लासीफाइड बाय द एल्टीट्यूड एंड शेप्स ये ध्यान रखिए क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन दो ही आधार पर हम कर सकते हैं या तो एल्टीट्यूड के आधार पर या शेप के आधार पर और कोई इसका बेसिक फार्मूला नहीं है कि हम क्लाउड्स को किस आधार पे बांटें तो इसके दो ही हैं क्लाउड्स आर यूजली क्लासीफाइड बाय द एल्टीट्यूड या तो हम उसको एल्टीट्यूड पर उसका डिवीज़न कर पाएंगे या उसके शेप्स क्या देख हम उसको डिवीज़न कर पाएंगे कि किस तरीके के क्लाउड है ये ये सीरस क्लाउड है या क्यूमलस क्लाउड है या डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स ठीक है फ्रेंड्स तो आइए आप आगे देखते बच्चों क्लाउड्स अब देखते हैं कौन से क्लाउड किस तरीके से डेवलप होते हैं और उनको क्या बोलते हैं क्लाउड्स दैट आर डेवलप हॉरीजोंटल फ्लैट एंड लेयर्ड आर कॉल्ड स्ट्रेटीफॉर्म ध्यान रखिएगा जो क्लाउड हॉरीजोंटली डेवलप होते हैं हॉरीजोंटली डेवलप होंगे और फ्लैट होंगे फ्लैट लेयर्ड में होंगे वो कैसे क्लाउड होंगे स्ट्रेटीफॉर्म क्लाउड होंगे ये इनकी विशेषता है कि वो हॉरी जो भी क्लाउड्स हॉरीजोंटली डेवलप होगा और फ्लैट लेयर्ड में होगा वो स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड होगा नेक्स्ट वन इज द क्लाउड आर डेवलप वर्टिकली द क्लाउड डेवलप वर्टिकली पफी ग्लोबलर आर कॉल्ड क्यूमली फॉर्म सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक सिंपली आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल होगा ना कि हॉरीजोंटल इट इज़ अ वर्टिकल फॉर्म डेवलप कैसे होगा लंबा लंबा होगा वर्टिकल में होगा और पफी और ग्लो होगा गोल गोल ग्लोबिलर होगा इसको क्यूमली फॉर्म बोलेंगे एंड लास्ट वन इज़ क्लाउड्स दैट आर डेवलप क्वाइट हाइट इन द एल्टीट्यूड मतलब बहुत अधिक ऊंचाई पर बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे सीरो फॉर्म्स सीरो फॉर्म्स ठीक है फ्रेंड तो तीन तरह के क्लाउड्स होते हैं जो हॉरिजोनटली डेवलप होंगे जिस अ एंड जो वर्टिकल बनेंगे वो पफी एंड मतलब होंगे और उनको क्यूमली फॉर्म बोलेंगे और थर्ड वन इज जो बहुत ही अधिक ऊंचाई पे बनेंगे वो कौन से सी होंगे सीरस फॉर्म होंगे ठीक है फ्रेंड्स ये याद रखिएगा किसका किस तरीके का शेप है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग द डब्ल्यू एम ओ इंटरनेशनल एटलस ऑफ क्लाउड हैज़ गिवेन अ टेन फोल्ड क्लासीफिकेशन ऑफ द क्लाउड एज इंटर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल है उसकी जो एटलस है उसने जो उसने बादलों को दस भागों में डिवीज़न कराया लेकिन मैं आज आपको सिर्फ लो क्लाउड्स पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ लो क्लाउड्स जो लो, लो क्लाउड्स होते हैं हा मीडियम और हाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा अभी मैं आपको सिर्फ लो क्लाउड्स बता रहा हूँ देख लीजिए लो क्लाउड्स कितने से कितनी ऊँचाई तक पाए जाते हैं जो लो क्लाउड्स होते हैं फ्रॉम द सर्फेस अप टू टू थाउजेंड मीटर हमारा जो सरफेस होता है उससे टू थाउजेंड मीटर तक कौन से क्लाउड पाए जाएंगे लो क्लाउड्स पाए जाएंगे मीडियम क्लाउड्स कहाँ पाए जाएंगे टू थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड और जो हाई क्लाउड होंगे वो सिक्स थाउजेंड मीटर या उससे भी एवब एरिया में पाए जाते हैं तो ये याद रखिएगा कौन सा किस डिस्टेंस पे क्लाउड पाया जाएगा तो आप देखते हैं लो क्लाउड्स में कौन कौन से क्लाउड्स आते हैं यार आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स एंड डिफरेंट शेप्स ठीक है फ्रेंड्स तो आइए आगे आगे बढ़ते हैं आप लो क्लाउड्स सबसे पहला आता है लो क्लाउड्स में स्ट्रेटिक स्ट्रेटिक्यूमलिस स्ट्रेटा क्यूमलस क्लाउड सबसे फर्स्ट वन इज इज स्ट्रेटाक्यूमलस अब इसकी देखते हैं इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या विशेषताएं हैं इसको क्यों स्ट्रेटोक्यूमलिस बोलते हैं स्टेटोक्यूमलेस क्लाउड्स बिलोंग टू द लो क्लाउड्स सबसे पहली चीज़ तो ये लो क्लाउड्स होते हैं इट एक्सटेंड फ्राम फाइव हंड्रेड मीटर टू टू थाउजेंड मीटर एव दी लेवल ठीक है फ्रेंड ये पाँच सौ मीटर से दो हज़ार मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं सिर्फ इससे ऊपर नहीं पाए जाएंगे पाँच सौ मीटर से दो हज़ार मीटर की ऊँचाई तक पाए जाएंगे और क्यों पाए जाते हैं क्योंकि ये लो क्लाउड्स हैं ही नीचे बनते हैं दीज क्लाउड्स कैल लुक लाएगा ग्लोबुलर मास और रोल ये क्लाउड्स कैसे होते हैं ग्लोबलर मास और रोल मैं भी आपको दिखाऊँगा ये क्लाउड्स कैसे हैं सम टाइम दे लाइन अप इन रोज एंड अदर टाइम्स दे सेपरेटेड कभी कभी तो ये क्लाउड्स एक लाइन में डेवलप हो जाते हैं और कभी कभी ये सेपरेट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखिएगा ये लो क्लाउड्स हैं और 500 मीटर से 2000 मीटर के एव एरिया में सी एव द सी लेवल्स इतने एरिया में पाए जाएंगे और ये कैसे होते हैं कि क्या लुक लाइक लुक लाइक अ ग्रैन्युलर रोल गोल गोल होते हैं गोल गोल शेप में होते हैं और समाइम्स दे लाइन लाइनअप समटाइम्स दे लाइन अप इन रोज़ एंड अदर टाइम दे इज सेपरेटेड आउट कभी कभी क्या होता है एक लाइन में पाए जाते हैं कभी कभी ये सेपरेटेड क्लाउड्स होते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगला इनका पॉइंट है ओनली प्रेसिपिटेशन जर्नली इन द फॉर्म ऑफ ड्रिजल अकर्स विदाउट अकर्स विद स्ट्रेटोक्यूमल्स क्लाउड एक और विशेषता इनकी ये है जो स्ट्रेटोक्यूबुलस क्लाउड होते हैं उनसे बारिश बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती है सिर्फ एक ड्रिजल फॉर्म में होती है ड्रिजल का मतलब बहुत छार होगी सिर्फ बूंदा बांदी होगी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी ठीक है फ्रेंड्स तो ओनली प्रेसिपिटेशन कैसा हो रहा है ड्रिजल के फॉर्म में होता है ये भी किसकी प्रॉपर्टी है मैं आपको दिखाता हूँ क्लाउड्स होते कैसे हैं देखिए फ्रेंड्स ये रहे दी आर स्ट्रैटो क्यूमलस क्लाउड कैसे क्लाउड्स हैं दी आर स्ट्रैटो क्यूमिलस मैंने अभी आपको क्या बताया दीज क्लाउड्स कैन लुक लाइक अ ग्लोबुलर मास और रोल देखिए ये ग्लोबुलर मास का भी दिख रहा है और रोल का भी दिख रहा है समटाइम्स दे लाइन अप एंड अदर टाइम दे सेपरेटेड आउट कभी कभी ये एक लाइन अप में पाए जाते हैं और कभी कभी ये सेपरेटेड आउट देखिए सेपरेट भी हैं और गोल भी हैं दीज आर द द्रेटोक्यूमेल क्लाउड एंड ये लो तो क्लाउड आपने अपनी अपनी लाइफ में इनको देखा भी होगा आप और आज से आप पहचान लेंगे कौन से क्लाउड्स हैं ये ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्लाउड्स की ओर बढ़ते हैं देखते हैं दूसरा क्लाउड्स क्या है सेकेंड वन इज नंबो स्ट्रेटस विच क्लाउड्स निम्बोस्ट्रेटस चलिए तो देखते हैं निम्बोस्ट्रेटस की क्या क्वालिटीज हैं क्या करेक्टरस्टिक्स हैं निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड इज द टाइप ऑफ लो क्लाउड्स ये भी लो क्लाउड्स होते हैं ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं डार्क ग्रीन कलर विद ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वे बेस विच ऑफन गिव्स कंटिन्यूस रेन और स्नो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाउड सबसे पहली बात तो ये है ये ग्रे कलर के होंगे और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ये बिल्कुल एक जैसे होंगे कहीं पे भी कोई भी ऊपर नीचे गोल नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल ये डार्क ग्रे कलर के होंगे और बिल्कुल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बेस इनका जो बेस होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा एक जैसा होगा और ये कंटीन्यूस रेन और स्नो प्रोवाइड करते हैं ऑफ इन गिव्स कंटिन्यूअस नीन और रेन uh, और स्नो इनकी uh, ये पाए कहाँ से कहा तक जाते हैं दे कर्स बिटवीन नाइन हंड्रेड मीटर्स टू थ्री थाउजेंड मीटर अब सी लेवल कहाँ से कहा तक पाए जाते हैं नाइन हंड्रेड मीटर्स टू थ्री थाउजेंड मीटर्स अब सी लेवल ठीक है फ्रेंड्स और निम्बो अगर आपको कभी भी निम्बो का नाम सुन जाए निम्बस तो एन बी निम्बोज इज़ अ टर्म्स फॉर एनी क्लाउड फ्रॉम विच रेन इज़ फॉलिंग अगर निम्बस निम्बो शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो क्लाउड्स रेन प्रोवाइड करेगा ठीक है एन बी इसका सिंबल होता है निम्बो का एन बी ये ध्यान रखिएगा निम्बो इज अ टर्म फॉर एनी क्लाउड्स विच रेन इज़ फॉलिंग ठीक है फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड कैसे होते हैं ये देखिए ये निम्बो क्लाउड है बिल्कुल यूनिफॉर्म बेस है इनका कहीं से भी कोई भी आपको नहीं मतलब लग रहा हो कहीं भी कि इस ये हिस्सा अलग है या ये हिस्सा अलग है पूरा सेम है चारों तरफ से और ग्रेन कलर डार्क ग्रे इनका कलर है और ये कंटिन्यूसली रेन प्रोवाइड करते हैं आपने देखे भी होंगे अपने दैनिक जीवन में ये अक्सर ठीक है फ्रेंड्स तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड वन इज क्यूमिलेस कौन से क्लाउड है क्यूमिलेस क्लाउड क्यूमिलेस इज कन्वेक्शन क्लाउड विच ग्रोज वेन राइजिंग एमास रीच द लेवल ऑफ विच कंडेशन टेक प्लेस इस लाइन को बहुत ही जरूरी है समझना कि क्यूमलेस क्लाउड क्या है सबसे पहले लिखा है क्यूमलस इज द कन्वेक्शन क्लाउड कन्वेक्शन मीन्स अर्थ का गर्म होना गर्म होके वायु का गर्म होना और वायु का गर्म होके ऊपर उठना इट इज़ अ कन्वेक्शनल प्रोसेस कन्वेक्शनल करेंट्स उठती उठती है ना तो क्यूमलेस इज द कन्वेक्शनल क्लाउड अगर ये कभी पूछा जाए विच टाइप विच टाइप ऑफ क्लाउड इज फॉर्म बाय द कन्वेक्शनल प्रोसेस तो सबसे सीधे सीधा सीधा आंसर होगा क्यूमिलेस क्लाउड बिकॉज क्यूमलेस क्लाउड इज द कन्वेक्शन क्लाउड विच ग्रो विन राइजिंग ए एम अगर कोई एम आज ऊपर राइज होती है एट द लेवल एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस आप जानते हैं ना कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तो वो ठंडी होती है कंडेंसेशन होने लगता है तो जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो क्यूमलेस क्लाउड्स होते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमलेस क्लाउड्स की बिहाफ पे cumulus क्लाउड्स appear ब्राइट एंड लाइक cotton बॉल्स कैसे देखते हैं ये ब्राइट एंड लाइक cotton बॉल्स की तरह होते हैं वेन दे डू नॉट कवर द स्काई दे फ्लोट बाई इन्फेंटली वेरियस शेप्स वेराइट शेप्स मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरे आसमान को कवर नहीं करते हैं ये बहुत सारे शेप में फ्लोट करते रहते हैं इधर से उधर ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लाउड भी Uh, एक इसके लाइन और है ये क्लाउड्स इज़ ऑफ इन फ्लैट एंड मे बी ओनली थाउजेंड मीटर ठीक है फ्रेंड ये थाउजेंड मीटर पे पाए जाते हैं दीज आर द क्लाउड्स ये देखिए इसकी मैंने दो फोटो आपके लिए तैयार किए हैं सबसे फर्स्ट वन इज़ आपको दिख रहा होगा इसमें uh, कि ये कॉटन की तरह लाइक काटन बॉल्स पूरी लग भी रहा है कि ये कॉटन बॉल्स की तरीके हैं दिख रहा होगा कॉटन बॉल्स की तरह हैं और फ्लोट कर रहे हैं इन फाइनटली वी शेप्स आगे एक और है ये दिस वन ये भी क्यूमलेस क्लाउड ही हैं ये ये भी क्यूमलेस क्लाउड हैं ये कभी भी पूरे आसमान को नहीं कवर करते ये अलग अलग फॉर्म्स में फ्लोट करते रहते हैं इधर से उधर दिस इज़ द क्यूमलेस क्लाउड्स ठीक है फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और अगला आप देखते हैं देन फोर्थ वन इज क्यूबलो न्यूबिस क्लाउड्स बताता हूँ मैं इसके बारे में क्या होता है दे आर हैवी एंड डेंस क्लाउड दे आर हैवी एंड डेंस क्लाउड विद अ कंसिडरेबल वर्टिकल एक्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ माउंटेंस और ह्यूज टावर सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इनकी है ये वर्टिकली एक्सटेंड होते हैं मतलब लंबवत वर्टिकली एक्सटेंड होगा ये लंबवत बनेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं बहुत डेंस होते हैं सभी क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा हैवी डेंस होते हैं और एक ये, ये माउंटेंस या टावर की तरह दिखते हैं वर्टिकली एक्सटेंड द फॉर्म ऑफ माउंटेंस एंड ह्यूज टावर ए टाइप ऑफ क्लाउड डार्क ग्रीन कलर ये भी डार्क ग्रीन कलर्स में होते हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विथ थंडर स्ट्रोम एंड हैवी प्रेसिपिटेशन जब थंडर स्ट्रोम आते हैं तो यही क्लाउड्स डेवलप होते हैं क्यूम्लो न्यूम्बिस क्लाउड ही होते हैं सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि थंडर स्ट्रोम में किस टाइप के क्लाउड्स जनरेट होते हैं क्रिएट होते हैं तो सीधे सीधे आंसर है क्यूमलो न्यूमिस क्लाउड होते हैं और ये ये क्यूमलस से रिलेटेड होते हैं एक तरीके से देखा जाए बट ये वर्टिकली एक्सटेंड होते हैं इनका फॉर्मेशन भी कन्वेक्शनल करेंट्स के द्वारा ही होता है कन्वेक्शनल करेंट्स के द्वारा तो ह हवाओं का ऊपर उठना और फिर उसके बाद वो कंडेंस होती हैं तो इनका भी फॉर्मेशन कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है और ये सबसे ज़्यादा मतलब जो एसोसिएटेड है वो थंडर से हैं क्यूबिला क्लाउड्स आर अद टाइप ऑफ क्यूमुलस क्लाउड देखा है मैंने बोला क्यूमिलास क्लाउड आज द डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्यूमुलस क्लाउड ये भी इसी तरह होते हैं मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हैं कैसे हैं ये देखिए है। ये है क्यूमो न्यूबस क्लाउड इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ह्यूज टावर की तरह लग रहा है और माउंटेन शेप में भी है ये क्यूमलो निम्बस क्लाउड है जब थंडर स्ट्रोम आते हैं तो इस टाइप के क्लाउड जनरेट हो जाते हैं ये थंडर स्ट्रोम की स्थिति में क्लाउड बनते हैं और ये भी कन्वेक्शनल करेंट्स के थ्रू ही बनते हैं ठीक है फ्रेंड्स एंड फोर्थ वन फिफ्थ वन इज स्ट्रेटस क्लाउड्स ए टाइप ऑफ ग्रे क्लाउड्स लेयर विद अ फेयरली यूनिफॉर्म वे विच मे गिव ड्रिजल आइस प्रिज्म और स्नो क्रीन्स ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस से और निम्बोस्ट्रेटस से बहुत ज़्यादा सिमिलर क्लाउड्स होते हैं वैसे तो निम्बो स्ट्रेटस से ज़्यादा सिमिलर होते हैं और कभी कभी स्ट्रेटो क्यूबले जैसे भी लगते हैं तो इसकी मेरे पास कोई पर्टिकुलर पिक नहीं है बस आप समझ जाइए ये उसी की तरह उसी के जैसे होते हैं बट इनकी प्रॉपर्टीज़ बत जाइए ये, ये ग्रे क्लाउड्स होते हैं लेयर्ड होते हैं फेयरली यूनिफॉर्म बेस होता है इनका विच में गिव ड्रिजल आइस प्रिज्म और स्नो ग्रेन ये भी ड्रिजल की बारिश देते हैं कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती इसमें सिर्फ ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होती है ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं ऑल्टो क्यूमल पे आते हैं अब ऑल्टो क्यूमलेस क्लाउड इज अ वाइटेस्ट एंड ग्रे शीट क्लाउड मच डेंस दैन स्ट्रेटस ठीक है फ्रेंड्स ये जो क्लाउड्स होते हैं ये ग्रे शीट्स क्लाउड हैं वाइटेस्ट वाइट कलर के होते हैं और मच डेंस स्ट्रेटस से ज्यादा ही डेंस होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं इच, इट अकर्स इन द पैच शीट और लेयर ये कैसे दिखते हैं शीट और लेयर की तरह दिखते हैं पैच शीट और लेयर्स इट कंसिस्ट ऑफ़ मास ऑफ स्मॉल रिलेटिवली थिन ग्लोबलर पैच समटाइम्स सो क्लोज टुगेदर मतलब कहने का मतलब ये है इट कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ स्मॉल रिलेटिवली थिन ग्लोबलेर पैच ये भी गोल गोल की गोल गोल होते हैं रिलेटिवली थिन होते हैं गोल होते हैं और समटाइम बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए होते हैं क्लोज टुगेदर बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए होते हैं दीज क्लाउड्स आर समाइम रेफर्स एज रेफर टू एज शीप क्लाउड्स अगर अभी पूछा जाए कि शीप क्लाउड्स कौन से हैं तो स्टेटस बताइएगा दीज क्लाउड्स आर समटाइम्स रेफर टू एज शीप क्लाउड्स और वोल पैक क्लाउड कौन से क्लाउड वोल पैक क्लाउड्स ठीक है फ्रेंड्स में और इसकी एक और ये दे आर फाउंड इन द पैरल बैंड ये भी ध्यान रखिएगा एक पैरल बैंड के रूप में तो भी पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन पैरल बैंड ऑल्टीट टू थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड मीटर कितने पे टू थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड मीटर पर पाए जाते हैं पकिन की फ़ोटो दिखा दो ये देखिए ये है ये अल्ट्रास्टेटस क्लाउड है मैंने बताया ना स्मॉल रिलेटिवली थिन सो क्लोज टूगैदर कभी कभी इतने पास होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं यही अल्ट्रास्टेटस क्लाउड्स हैं ठीक है फ्रेंड ठीक है फ्रेंड्स तो मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स क्या होते हैं क्लाउड्स बहुत ही ईजी होता है कुछ नहीं होता बस सारा खेल आर्द्रताग्राही नाभिक जो होते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं उनके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स से जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के प्रति और जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाएंगे वो इतने छोटे होते हैं कि वो हवा में तैरते हैं तैरते हैं और उनका कंडेंसेशन होता है और फिर एक क्लाउड्स के फॉर्म में हमको देखते हैं तो दीज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स जो भी मैंने दिखाया आपको थैंक यू फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जय हिंद